श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में बिजली की समस्या से परेशान होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मोर्चा खोल दिया। किसानों के साथ मिलकर कांग्रेसी धरने पर बैठे और भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरने पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी के विरोध में किया जा रहा है, क्योंकि विजयपुर क्षेत्र के किसानों को आए दिन बिजली की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। किसी गाँव में ट्रांसफॉर्मर की समस्या है तो कहीं पल पल बिजली की कटौती, जिस कारण से किसान अपनी फसलों की समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों से मांग है कि जल्द से जल्द विजयपुर क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाए, जिससे किसान अपनी फसलों में समय पर सिंचाई कर सके। दिनांक 29/11/2022 युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध दावत जी ने आज बिजली विभाग में धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों ने पैसा खा के सब कुछ करके एक कहीं भी पानी नहीं पहुंचा, वो लाइट नहीं पहुंचा रहे हैं और किसानों को परेशानी आ रही है पानी डालने में, खेतों में उनकी फसल सूख रही है, फसल सूख रही है और मैं और बाल कांग्रेस उनके साथ है। देखिए, आज का प्रदर्शन, वैसे तो सभी किसानों को बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि खेती का अभी सीजन चल रहा है और मुख्य यही दिन है जिस समय पे खाद की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है और प्रमुख रूप से बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी समय में पिछले 10-15 दिनों से बिजली विभाग में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, अनियमितताएं हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते, ब्लॉक करके रखा है उन्होंने सभी के नंबरों को लोगों के। कहीं भी डीपी ट्रांसफार्मर फुके पड़े हैं तो बिजली नहीं आ पा रही है, उससे किसान अपनी फसलों को पानी नहीं दे पा रहा है तो उनकी फसल सूखने की नौबत आ चुकी है। और मुश्किल से अभी 2-4 दिन का ही समय बचा है, अगर यह सुधार नहीं हुआ तो वास्तव में इस बार की सीजन की फसल सभी किसानों की बर्बाद होना तय है। उसी के लिए आज हम बिजली विभाग का घेराव करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले प्रमुखता से हम बिजली की समस्या उठा रहे हैं कि बिजली जल्द से जल्द सभी किसानों को जल्दी मुहैया करवाई जाए, जिससे फसलों में पानी लग सके। श्योपुर से खरवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।